I'm sorry. तुम जैसे लड़के लड़कियों से टकराने ही भीड़ में आते हैं। मम्मी को बताए बिना हम लोग चले गए तो बहुत गुस्सा होंगी। तो क्या करें, पोस्टल वालों ने भी तो हड़ताल कर रखी है, टेलीग्राम भेजे भी तो कैसे। ऑटो खाली है सर? नहीं नहीं सर, ऑटो खाली है। क्या हुआ? क्या हुआ कमल? आप पहले आदमी हैं जिसने स्कूटर वाले को सर कहा, वरना तो यहाँ ए रिक्शा ए स्कूटर कोई इज्जत ही नहीं देता। कहने को तो दिल्ली है मगर दिल रखना आपसे सीखना चाहिए इनको। चलिए सर चलिए, आइए आइए बैठिए। मेरा नाम दीपक है। प्रीतम, अरे मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, वरना स्कूटर वाले को कौन अपना परिचय देता है। क्या है ना, केरला में काम करने से पहले मैं कुछ दिन आगरा में था, वहां मैं भी ऑटो चलाता था। अरे अपने बिरादरी का आदमी है, कहाँ चलना है? कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब? नहीं मेरा मतलब है कि मुझे सिर्फ नहा धो के कपड़े बदलने और फिर ऑफिस जाना है। अगर आप आधे घंटे के लिए मुझे किसी लॉज में छोटा सा कमरा दिलवा देते तो। मेरा भी एक छोटा सा घर है, अगर आप नहा धो कर कपड़े बदलना चाहते हो तो मेरे घर आइए, अगर आपको एतराज ना हो तो। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको नहीं है तो? चलिए तो चलिए चले ना चलिए। ओए, दिखता नहीं क्या? दिखता है उस्ताद। तो फिर ठीक से चलाने नहीं होता? क्या है ना उस्ताद, आजकल अपना दिल काबू में नहीं है। अरे पापे, अपने दिल को काबू में रख वरना आगे चल के पछताएगा। चल चल पीछे ले। यस अम्मा, कमरा साफ कर दो। नहीं अभी हमको अर्जेंटली बाहर जाने का है, बाद में कर देना। क्यों, काम पर नहीं जाना है? नहीं। हाँ जेंसी मैं जा रही हूँ, मैंने अपने कमरे की चाबी ले लिया। ओके अच्छा बाय बाय। हाँ क्या कहा, काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं आज हमारा फ्रेंड आया है, उसका इधर इंटरव्यू है ना। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? तुम जानता है उसको, देखो। अरे आरती बेटी तुम कब आई, कैसी हो? अच्छी हूँ, बस अभी आई कुछ ही देर पहले। जेंसी बेटी मैं कमरा बाद में साफ करूंगी। हाँ ओके अम्मा। आरती लेट्स गो। यार मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। अरे यार मेरे फ्रेंड का इंस्टीट्यूट है। अरे छोड़ दीपक, दोस्त भी कहता और पैसे भी देता है। एक पुरानी कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। अरे ये सब कहावतें तो बड़े लोगों की बनाई हुई बातें हैं। हमारे यहाँ अगर घास से दोस्ती हो जाए तो उसे खाते नहीं भले भूखे मर जाए। चलता हूँ। फिर दोबारा कब मुलाकात होगी? हाँ भाई सच बताओ दीपक, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरे जैसा दोस्त मिलेगा, लेकिन खास तौर पर तुझसे मिलने के लिए वक्त नहीं निकाल पाऊंगा। रोजी रोटी कमाने के चक्कर में दिन रात भाग दौड़ करना पड़ता है। हाँ अगर कभी याद आ गई तो घर आ जाना, या तो रास्ते में मिलेंगे। ठीक है, सामान मैं बाद में आके ले जाऊंगा। हाँ हाँ कभी भी आकर ले जाना। ठीक है ना? हाँ ठीक है। बेशरम, किसको दुआ दे रहा है? किसी को नहीं। चले चलो। अरे भाई साहब, मियां इंडस्ट्रीज का ऑफिस कौन से फ्लोर पे? और लिफ्ट कहाँ है? इधर। थैंक यू। थर्ड फ्लोर, लेट्स गो। हेलो ब्लू क्रॉस। हाँ आज घर से आते वक्त मैंने वसंत विहार सी ब्लॉक मार्केट में एक स्ट्री डॉग और उसके कुछ पपीज देखे। वुड यू प्लीज टेक केयर। आई एम नेहा। थैंक यू, बाय बाय। यस कम इन। Good morning, madam. Good morning. Welcome, Mr. Deepak. Anything wrong, madam? No, nothing. Bas Deepak ke aate hi kamre mein roshni aa gayi. Thank you. Welcome. Please have a seat.
वन मोमेंट एक्सक्यूज मी. सो ओह आई एम रियली सॉरी. प्लीज हैव सम. नो थैंक यू मैम. प्लीज. I'm sorry. It's okay. I'm so sorry. Please बुरा मत मानिएगा. दीपक, मैं यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और आप यहाँ के एम्प्लॉई. लेकिन मुझे एक दोस्ताना माहौल में काम करना बहुत पसंद है. लेकिन मेरी एक शिकायत है आपसे. आपने मुझे धोखा दिया है. मैंने? वो ऐसे कि जब मेरे भैया ने मुझसे कहा कि वो किसी लड़के को भेज रहे हैं तो मैंने सोचा कोई सूट बूट पहन के स्टाइल में आने वाला है, मगर आप तो बहुत सिंपल निकले. धोखा तो आपने भी मुझे दिया है. कैसे? उन्होंने ये कहा था उनकी सिस्टर कंसर्न है, पर ये नहीं कहा था कि सिस्टर की कंसर्न है.